Hello everyone and assalamu alaikum. You are watching 9 News HD and this is 9 Sports T20 World Cup exclusive series. I am your host Noman Aslam. नाजरीन 1881 में बीपीओ ऑपरेटर से जाद हुआ, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस के दौरान किया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपने क्रंच मैचेस इस तरह से हारे कि पूरी कौम की उम्मीदों का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान ने पहले तो एक एसोसिएट जो प्लेइंग कंट्री है यूएसए, जो सिर्फ इस वजह से इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है कि वो मेज़बानी कर रहा है, उससे एक आसान मैच हारा, और उसके बाद अपने रवायती हरीफ भारत के मुकाबले में जब वो मैच मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गिरफ्त में था, प्लेट में रख के वो मैच वापस भारत के हवाले कर दिया। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी कौम के जज्बात नहायत भड़के हुए हैं, लोग नाराज़ हैं, खिलाड़ियों से भी, मैनेजमेंट से भी, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जो इस कौम को जोड़ता आया, इसकी एक तारीख है इस मुल्क में। तो अभी भी हम जैसे और आप जैसे तमाम क्रिकेट शायकीन इस क्रिकेट टीम के लिए दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान सुपर एट के लिए क्वालिफाई करे और हमें बेहतर टीमों के मुकाबले में एक अच्छे मैचेस देखने को मिले। लेकिन क्या पाकिस्तान सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर सकता है, इस अहम पॉइंट पर आज हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे। नाजरीन, फ्लोरिडा में इस वक्त अगला राउंड खेला जाना है और फ्लोरिडा के अंदर आने वाले हफ्ते में शदीद बारिशों की पेशगोई है। बारिशों के साथ साथ फ्लड वार्निंग्स भी जारी की गई हैं, जिससे बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो दो अहम मैचेस जिसमें यूएसए ने आयरलैंड का मुकाबला करना है और पाकिस्तान ने भी आयरलैंड को फेस करना है फ्लोरिडा में, वो दोनों मैचेस बारिश की नज़र हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई एक मैच भी बेनतीजा रहता है तो पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप में यहीं तमाम हो जाएगा। उम्मीदें ऑब्वियसली इस नुक्ते पर जुड़ी हैं कि ना सिर्फ ये मैचेस हों बल्कि यूएसए अपना मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हार जाए। याद रखिए, पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच भी कोई आसान मैच नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तकरीबन एक माह पहले आयरलैंड से आयरलैंड के दौरे के दौरान हार चुके हैं। आयरलैंड की टीम को के कम मैचेस खेलती है, लेकिन उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन दिया है बाकी टीमों को। तो पाकिस्तान और आयरलैंड का जो मैच है, दैट वोंट बी अ वॉक इन द पार्क फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं, उन्होंने पहले दो मैचेस हारने के बाद एक बयान दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, लेकिन ये बड़ी सर्जरी चेयरमैन पीसीबी से ही शुरू होनी चाहिए, जो कि ये की डिसीजंस लेते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा, चीफ सिलेक्टर कौन होगा और कोचेस कौन होंगे। तो जब ये तमाम फैसले करने वाला इंसान ये बयान दे कि पाकिस्तान टीम को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, वो खुद को अकाउंटेबल ना समझे, तो मेरे नज़दीक बेहतरी की ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। बहरहाल, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, और अगर किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान रहती है तो पाकिस्तान सुपर एट के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान यकीनन तीन अहम टीमों के खिलाफ अगले राउंड के मैचेस खेलेगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम की दुआएं ये हैं कि बारिश जो है इन मैचेस का मजा खराब ना करे, यूएसए अपना मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हार जाए, और इतवार के रोज होने वाला पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच वर्चुअली एक नॉकआउट मैच होगा जिसको पाकिस्तान को जीतना लाजमी होगा। पाकिस्तान अगले राउंड में अगर क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम डिजर्व भी करते हैं कि हम अगले राउंड के मैचेस खेलें, या सिर्फ बतौर पाकिस्तानी हम ये चाहते हैं कि ये टीम किसी तरह से आगे प्रोसीड कर जाए, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। अभी के लिए हमें ये दुआ करनी है कि बारिश ग्राउंड से दूर रहे, अमेरिका अपना मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हार जाए और पाकिस्तान किसी तरह आयरलैंड को इतवार को होने वाले मैच में शिकस्त दे दे। अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं तो फिर हम यकीनन इस नुक्ते पर बात करेंगे कि अब पाकिस्तान सुपर एट में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, अपना खोया हुआ वकार, अपना कम्बिनेशन कैसे बहाल कर सकता है। इन तमाम बातों पे मजीद प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 9 News HD। अल्लाह हाफिज़।